तो क्वेश्चन नंबर सिक्स थर्मोडायनेमिक्स की असाइनमेंट जो है उसका क्वेश्चन नंबर सिक्स करना पा पांच काल कर रहे सी तो बोलो तू बोलो 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 4×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली सो दैट द वॉल्यूम बिकम 0.5 न्यूटन क्यूब फाइंड द न्यू प्रेशर कंपेयर दिस विद द प्रेशर दैट वुड रिजल्ट इफ द कंप्रेशन वाज आइसोथर्मल कैलकुलेट द वॉल्यूम इन प्रोसेस और फिर वो दिएगा मतलब ये 1 मिनट देखो गल सुनो आराम ना स्टेटमेंट को पकड़ो क्योंकि एक क्वेश्चन ही ना सारा कुछ क्लियर कर जाता सानू ज्यादा नहीं करने की लोड माइंड देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना 2 क्यूबिक मीटर और प्रेशर भी प्रेशर 4×10⁵ न्यूटन पर मीटर पास्कल उस तो बाद ये इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली हां देखियो अगर ये एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड है ठीक है तो इधर आफ्टर कंप्रेशन वॉल्यूम कितना रह गया 0.5 और आपका प्रेशर निकालना है यस सर है ना पहला ये भी निकालना है कंपेयर दिस विद द प्रेशर नहीं वो तो पहला पार्ट हो गया ना अगला पार्ट देखो हम गल तो सुनो ये दूसरा पार्ट इधर तो है कि अगर यही कंप्रेशन आइसोथर्मल होती मैं डायग्राम बना रहा है ना तो जिन्होंने फ्लो चार्ट कह देने हैं ताकि सानू सारा स्टेप्स समझ आए तो अगर ये बनाने आ गए तो मानो इधर जाना इधर जाना तो तुसी बड़ा इजी हो जाना साडे लिए दिमाग दे विच सामने आ जाता पिक्चर इजी कांस्टेंट हो जाता तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है अगर पुत्र तो और फाइनल वॉल्यूम अगर 0.5 है तो फाइनल प्रेशर ये भी निकाल ना आइसोथर्मल तो हाँ हम देखो हम तो अनु जे तुसी इधर कंपैरिजन करना सी इतना आइसोथर्मल वाले था फिर तब आपने को पता पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट पी आई वी आई पी एफ वी एफ तो पी एफ आ जाएगा तो हम क्योंकि फाइनल वॉल्यूम 0.5 है तो 4 गुना प्रेशर बच जाएगा तुम्हारा आंसर है ना पर जब अपन एडियाबेटिक के लिए गल करते हैं तो फिर तुम्हारा टीवी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट वाला है ना ये लगना अच्छा गामा दिता था 1.4 हूं देखो PF आ जाएगा PI VI VF raise to power gamma PI तो VI over VF की रेशो 4 हो जानी कुछ है ना हूँ PI 4 की power 1.4 है तो पी आई हम आई की वैल्यू है इधर विच 4 दी पावर 1+0.4 कर दीजिए अपना पॉइंट फोर कितना हो गया बताओ